हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। गाइस, सुबह के 5 बज चुके हैं और लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया ठंडा मौसम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी मेरे सारा वो वर्क करके आ चुका था, जो कमीशन वर्क मैं करता हूँ वो करके आ चुका था। और गाइस, मैंने खाना वगैरह भी खा लिया है। और ये देखो गाइस, इतना सारा प्लास्टिक कबाड़। और आज संडे था ना, इसलिए गाइस सारा जितना कबाड़ था ना सब देख के आ चुके गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर नहाने और फिर नहा के आपसे मिलता हूँ मैं। तो मैं अभी नहा तो लिया हूँ, लेकिन आज फादर्स डे है तो इसलिए गाइस मैं कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ पापा के लिए। तो अभी मैं एक केक का ऑर्डर देने जा रहा हूँ और एक केक लेके आऊँगा और फिर पापा का फादर्स डे सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है गाइस। तो केक तो शाम को बनेगा और अभी मैं खाना खा के और नीचे आ चुका हूँ। और अभी मैं जाऊँगा ऊपर और 2-4 टाइम पबजी खेल के और फिर सो जाऊँगा। फ्रेंड्स, नींद तो आ नहीं रही और अब सीधा जा रहा हूँ केक लेने पापा के लिए। फ्रेंड्स, केक ले लिया मैंने, ये देखो आप। और अभी चलते हैं गाइस घर पे, और घर पे जाते मैं इन केक को रख दूँगा फ्रिज में। मैं घर पे तो आ चुका हूँ, सभी सोए पड़े हैं। मम्मी सोई पड़ी है, पापा भी सोए पड़े हैं, मेरी बहन नीना भी सोई पड़ी है। तो अभी मैं जाके लेके आ चुका हूँ। और ये देखो कुछ ऐसा है, देख लो, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि कैसा है। ये देखो ऐसा लिखा है और ऊपर लिखवा दिया मैंने हैप्पी फादर्स डे, सही है। और अभी रख देता हूँ मैं इसको फ्रिज में और ऊपर जाके सो जाता हूँ। और शाम को आऊँगा नीचे और नीचे आते ही फादर्स डे बनाएंगे, सही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कब शाम हो। शायद मुझे नींद भी ना आए तो इसलिए मैं सोऊंगा ही नहीं, ऐसे ही करा रहूँगा। तो हम ये देख लो, अभी फ्रेंड्स हम गुब्बारे फुला रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई गाइस कमरे में। और अभी ये पूरा सेलिब्रेशन करने के बाद पापा को बुलाएंगे, मतलब बिल्कुल पूरा डेकोरेशन कर देंगे ना पूरे कमरे को, जब फिर पापा को बुलाएंगे और बढ़िया केक कटवाएंगे, ठीक है गाइस। तो अभी मेरा मुंह दुखने लग गया गाइस गुब्बारे फुलाते फुलाते, चलो कोई ना, फुलाने तो पड़ेंगे। तो गाइस, हमने गुब्बारे वगैरह तो फुला दिए थे और अभी आए हम सब्जी लेने, बढ़िया पापा के लिए कढ़ाई पनीर लेने आए हैं। और वो लेके घर पे जाएंगे और सजावट वगैरह सब कुछ कर दिया है हमने। और ये मंडियागंज में जो नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है अशोका रेस्टोरेंट, इस पर आए हैं यहाँ से लेके और फिर जाएंगे गाइस घर पे, ठीक है। फिर आपको बाद में मिलता हूँ सेलिब्रेशन के साथ, सही है। फ्रेंड्स, हमने खाना ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं घर पे और घर पे जाके देखते हैं गाइस कि हमारे पापा क्या रिएक्शन देते हैं। तो हमने डेकोरेशन कुछ इस प्रकार से की है, थोड़ी की है, ज़्यादा नहीं की, वरना पापा ज़्यादा डांट मारते हमें। तो अभी हम कर लेते हैं एसी ऑन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। और अभी कर लेते हैं गाइस एसी ऑन, कुछ क्या एसी का रिमोट पता नहीं कहाँ पे रख दिया है, ये ढूंढना पड़ेगा। फाइनली एसी का रिमोट मिल गया, कर देता हूँ ऑन, कर दिया गाइस। अभी देखते हैं पापा का रिएक्शन। और केक वगैरह मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ, बाकी केक शायद मैं थोड़ी देर बाद में लेके आऊँगा, ताकि जब पापा ना बिल्कुल नहा लेंगे तब लेके आऊँगा। भाई अभी सब कुछ सही है, एसी ऑन कर दिया मैंने, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और अभी चलते हैं और मैं थोड़ा सा फेस वॉश कर लेता हूँ और फिर आपको दूसरी रील में दिखाता हूँ क्या होता है, सही है।
हे गाइस, जैसे आपने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से पापा का फादर्स डे बना दिया है और पापा बहुत ज़्यादा खुश है अभी। तो सही है, अभी खाना वगैरह खाएंगे और फिर सो जाएंगे। और थैंक यू गाइस। तो फ्रेंड्स, सारा कुछ बिल्कुल सही हो गया था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल बहुत बढ़िया हुआ गाइस, बहुत बढ़िया। तो अभी का सीन ऐसा है कि ये देखो, कूलर में पानी कम हो गया, तो अभी कूलर में पानी डालना है और फिर आराम से सो जाएंगे। गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर देना। और थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।